ना, जनरली लोग इसको करंट के साथ, करंट के बाद पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो नेक्स्ट चैप्टर है, बट मैं आपको इतना इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा चुका हूँ कि आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो ये टॉपिक किस में गिना जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में गिना जाता है, आरसी सर्किट, बट हम क्योंकि पूरा करंट के थ्रू ही पढ़ा है, ठीक है, तो हम बिल्कुल इसको देखो समझ सकते हैं। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो आपने क्या किया, अब मैं उस पर आ रहा हूँ बेटा, कि जब आप हमेशा मैं बोलता था क्लोज है, तो आप भी मान लेते थे क्लोज है, और आप चार्ज सी इंटू ई माइनस सी इंटू ई कर देते थे इस पे, ठीक है ना, ऐसे ही करते थे। बट अब क्या है, आपको उसी बीच की जो प्रोसेस है, जब थोड़ी देर करंट चलता है, तो जो करंट चलता है तो ये चार्ज किस टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, करंट इसमें टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, ये सब देखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा आने वाली चीजें हैं 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो आपको क्या आता है, आपको तो केवीएल ही आता है, और क्या कर सकते हैं उसके अलावा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, वही इसको क्लोज करने के बाद किसी इंस्टेंट पर मान लो करंट आई है, ठीक है ना, किसी इंस्टेंट पर मान लो सर्किट करंट कितनी है, आई है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लोज करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाओ, वी ए माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए, ठीक है, वी ए माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर प्लस ई इक्वल टू वी ए, तो वी ए कट जाएगा, आई आर कितना आ रहा है, ई सी माइनस क्यू अपॉन सी, आई को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, आई को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, तो आप ई सी माइनस क्यू को इधर ले जाओ, वन अपॉन आर सी डी टी, टी इक्वल टू जीरो पर कोई भी चार्ज नहीं था, क्लोज करने के बाद ही चार्ज आना शुरू हुआ है, तो जीरो रख दो, टी टाइम पर लेट से क्यू चार्ज, देखो दिक्कत तो नहीं आ रही ना, अच्छी तरह लिखना आता है, कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी करंट क्या होती है, इस पर जो चार्ज बढ़ने की रेट है डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या है, यहाँ से करंट फ्लो होने की रेट, ठीक है। तो आई को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी बिल्कुल लिख सकते हैं, और उस वजह से ये एक बहुत ही इंटीग्रेबल फॉर्म में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो, टी टाइम पर क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो क्यू इक्वल टू सी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, सिंपल इंटीग्रेशन है, देखो आना चाहिए सबको, माइनस है तो माइनस आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको अब भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, बताइए कितनी बार बता चुका हूँ मैं, शुरू में आपको इंटीग्रेशन इतना पढ़ाया था, कोई पढ़ाते नहीं फिजिक्स वाले, बट मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन और ये सब मेथड बताया, ठीक है। यस सर, एक बार ऊपर करना थोड़ा सा। एक सेकेंड रुको, हाँ बताइए, यस बस देख ही रहा था हाँ, ये सर। चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, कैपेसिटर चार्जिंग मोड में है, ठीक है, ये कैपेसिटर क्या है, यस सर, चार्जिंग मोड में, तो आपका क्यू ये याद रखेंगे बेटा, किस तरह से याद रखेंगे, क्यू एस बोल देते हैं, देखो एस मतलब स्टेडी स्टेट चार्ज, जब ये स्टेडी स्टेट मतलब करंट फ्लो होना बंद हो गई, तो जब करंट फ्लो होना बंद हो गई तब चार्ज कितना होता है, सी इंटू ई तो होता है उस पर, तो देख चुके हैं, जब करंट नहीं चलेगी तो चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पर, सी इंटू ई, ठीक है, तो इसको क्यू एस बोल देते हैं, देखो ये माइनस माइनस कुछ नहीं है, गलती से हो गया है थोड़ा, बस इसको मैंने क्यू एस लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या हो गया एक्सप्रेशन जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जब भी पूछो तो पता होना चाहिए, वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टू, इस पर बिल्कुल बड़ा वाला रिमेम्बर लिख लेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चार्ज का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर, क्यू इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ क्या कहलाता है, टाइम कॉन्स्टेंट, तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, अब आप इसका प्लॉट बनाओगे तो प्लॉट इस तरह का आता है, टाइम कांस्टेंट का मतलब समझिए, देखो टी बाई टाउ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन टाइम की है टाउ, क्योंकि ई के ऊपर कभी भी डायमेंशन नहीं आ सकती, तो टाउ की डायमेंशन वही होगी जो टाइम की है, तो आपको एक तो ये भी याद हो गया, डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाएगा, आर इंटू सी की डायमेंशन टी वन होती है, केवल टाइम होता है, ठीक है ना, आर इंटू सी क्या होता है, टाइम होता है, तो यहाँ पर वही है कि आपका स्टेडी स्टेट पर जो चार्ज है क्यू एस इक्वल टू सी इंटू ई एंड जो टाइम कॉन्स्टेंट है दैट इज इक्वल टू आर इंटू सी, तो आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा ये बताओ मुझे, आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट
क्या करोगे, वन टाइम कांस्टेंट के लिए टी को टाउ डाल दोगे क्या? बताइए एक बार जल्दी से, आ रहा है बात समझ में? टी को क्या डाल दोगे, टाउ डाल दोगे वन टाइम कांस्टेंट पर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू एस वन माइनस वन अपॉन ई बन जाएगा। तो क्यू एस वन माइनस वन अपॉन ई निकल के आएगा 0.63 क्यू एस। तो इसलिए बोलते हैं कि एक टाइम कॉन्स्टेंट बाद आपका जो ये है, ठीक है ना, कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट बाद, 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ये 0.37 आएगा ये वन अपॉन ई, तो वन माइनस ये अप्रोक्सीमेटली 0.63 के करीब आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए। यस सर। चलिए तो इसके बाद अपन जो आगे एनालिसिस इसी सर्किट का, करंट भी निकालेंगे, सब ये नेक्स्ट टर्न पे करें, ठीक है? यहाँ तक इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए, तो मंडे को नेक्स्ट टर्न होगा, आज से 4 o'clock पे आपकी सीपीपी डिस्कस होगी।